तीन दिन में हम नहीं देखे कोई मेजर अपराध कहीं हुआ हो। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, फिर आए हैं, नई सरकार बनी है, फिर उस पर समीक्षा करेंगे, उस पर सख्ती करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, कैबिनेट विस्तार पर लगातार मंथन जारी है। एक तरफ जहां उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा भी दिल्ली जा रहे हैं। इस बीच उन्होंने बिहार सरकार पर कई बातें कही हैं और कहा है कि अब आपको बिहार में कोई अपराध होता हुआ नजर आ रहा है क्या? बीते तीन दिनों में बिहार में कोई भी संगीन अपराध नहीं हुए हैं, यही बिहार की नई सरकार का कमाल है। इतना ही नहीं, जब उनसे कैबिनेट विस्तार पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन के अंतर्गत किसी भी दल में कोई खींचतान नहीं है, सीटों के बंटवारा को लेकर कोई जद्दोजहद नहीं हो रही है, शीर्ष नेतृत्व से जो भी फैसला लिया जाएगा वो बिहार की बेहतरी के लिए ही होगा। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिहार में अपराध को लेकर, नई सरकार को लेकर, साथ ही साथ उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं, आखिरकार वो दिल्ली के लिए क्यों रवाना हो रहे हैं, क्या है इसके पीछे की वजह, खुद सुनिए मदन मोहन झा की बातों को। जा रहे हैं, सभी लोग गए हैं वहां से, लोगों की इच्छा से हम भी चले हैं तो जा रहे हैं। दिल्ली आना तो अस्वाभाविक बात तो है नहीं, तो लगा ही रहता है। मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो रही है कि चार सीट कांग्रेस मांग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सीट मांगने का अभी तक कोई बात नहीं हुआ है, अभी तो गए ही हैं, जब बात होगी बैठ के तो जो होगा उसमें कहीं कोई मरमरिंग नहीं होगी, क्योंकि सारा चीज़ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ जो कहीं भी आपस में सीट को लेकर कहीं टकराहट की कोई गुंजाइश नहीं। सर, आपके एक विधायक जो है बकायदा पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि मंत्री पद। देखिए, विधायक पत्र कैसे रिलीज हो गया हम नहीं जानते हैं, अपनी अपनी बात आला कमान को कहने का सबको अधिकार है, लेकिन वो फेस टू फेस या उनको मिल के कहने की बात होती है। सारे लोग प्रयास करते हैं अपने लिए, लेकिन वो रिलीज कैसे हो गया इस ये विचारणीय विषय है। लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहा है कि तीन दिन में ही अपराध बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें अपराध कहीं, पहले खोलते थे तो अपराध तो नजर आता था, लेकिन आजकल तीन दिन में हम नहीं देखे कोई मेजर अपराध कहीं हुआ हो तो हम मेरे नज़र से नहीं गुजरा। शराबबंदी लागू है लेकिन आज जो है पाँच लोगों की फिर से मुक्ति हो गई, उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, फिर आए हैं, नई सरकार बनी है, फिर उस पर समीक्षा करेंगे, उस पर सख्ती करेंगे।